नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में दलालों द्वारा मरीजों में सुविधा शुल्क वसूल कर धन उगाही करने और इमरजेंसी में आए दिन मरीजों की तीमारदारों और अस्पताल के डॉक्टर स्टाफों के बीच इलाज में लापरवाही की बात को लेकर अक्सर वाद विवाद बढ़ जाता है और मामला हिंसक हो जाता है। इन सभी घटनाओं से जिला चिकित्सालय की अक्सर किरकिरी होती है। जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता के आदेश पर बुधवार को इमरजेंसी में 4 नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। प्रमुख अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए 4 कैमरे लगाए गए हैं। आवश्यकता पड़े तो भविष्य में अस्पताल के अन्य जगहों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, चार कैमरे लगाए गए हैं पोर्टिको में और वेटिंग एरिया में, बरामदे में इसलिए लगाए गए हैं कि वहाँ पर आने जाने वालों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं, या कोई अवांछनीय तत्व आता है या वहाँ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उससे बाद में उसको उसकी फुटेज निकाल कर उसे चिन्हित किया जा सके कि कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। अस्पताल का काफ़ी परिसर बड़ा है तो और भी जगहों पर इसे लगाने की संभावना है? अगर आवश्यकता समझ में आएगी तो और भी जगह लगाया जा सकता है।